हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक्टिक टीवी में। दोस्तों, मैंने काफ़ी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, काफ़ी टॉपिक कवर किया है, लेकिन कभी भी बेस के ऊपर, सब ऊपर के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम सब ऊपर के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे और डिटेल में जानेंगे एक्चुअल सब ऊपर आपको कैसे चूज करना है आपके रूम के हिसाब से, और सब ऊपर का ड्राइवर कौन सा होना चाहिए, कौन से कंपनी का चूज करना चाहिए, आपके रूम के हिसाब से कौन सा वाला सब ऊपर सबसे बढ़िया होगा, अगर आप बेस लवर है तो कौन सा चूज करना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ड्राइवर। ड्राइवर आपको बहुत वाइसली चूज करने चाहिए। दोस्तों, कितने इंच का ड्राइवर आपके लिए परफेक्ट होगा वो आपके रूम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ रूम साइज आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर आपका जो रूम साइज है वो 10 × 10, 10 × 12, 12 × 12, 12 × 13, 10 × 13, 12 × 13, इन सारे रेंज में है, मतलब 10 × 13 के रेंज में है, तो आपके लिए 8 इंच सब ऊपर बेस्ट होता है। आपको 10 इंच में भी नहीं जाना है और 6.5 इंच में भी नहीं जाना है। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, मैं जो सबवूफर यूज करता हूं मेरे SP11RA के साथ, वो एक 8 इंच का ड्राइवर है उसमें, तो उसमें मेरा जो मैक्सिमम बेस का ऑप्शन मुझे दिया गया है वो 6 तक मैं ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। मैं खुद बेस लवर हूं, मुझे बेस अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसको 5 तक रख पाता हूं, क्योंकि 6 मैं अगर दे देता हूं तो वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड और बूमी हो जाता है, वो रूम के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है और साउंड को जो है वो इफेक्ट करने लगता है, तो ओवरऑल सराउंड एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको 5 तक रखता हूँ, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बूमी होता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप इन सारे रेंज के रूम में रहते हैं तो आपके लिए 8 इंच का ड्राइवर बहुत बढ़िया होगा, और एक सबवूफर ही काफ़ी होगा आपके रूम के लिए। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसा कोई साउंड सिस्टम लिए हैं जिसमें 6.5 इंच का ड्राइवर है, तो कहीं ना कहीं आपको बेस जो है वो लैग होता हुआ महसूस होगा और कम महसूस होगा, तो उस टाइम पे आप 2-2 सबवूफर ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि उस टाइम पे आपको 2 सबवूफर लेना चाहिए, जैसे कि ज़ेब्रोनिस ट्यूबर 9900 में आपको 6 इंच का 2 सबवूफर मिलता है, तो इस तरीके का जो साउंड सिस्टम है वो आप चूज कर सकते हैं अपने रूम के लिए। नेक्स्ट मैं आता हूँ दोस्तों हॉल रूम। अगर आपका जो रूम साइज है वो इन सारे रूम रेंज के ऊपर है, मतलब 14, 15, 18, 20 इन सारे रेंज में है, तो आपको मैनुअल सेटअप यूज़ करना है, मतलब मैनुअल सेटअप अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा, जिसमें आप जितने सारे चाहे सबवूफर ऐड कर सकते हैं। मैनुअल सेटअप आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास जो है वो बड़ा हॉल है, तो उसमें मैनुअल सेटअप में आप 2 या 3 सबवूफर ऐड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना जो बेस का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उस हिसाब से अपना सबवूफर चूज कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल सेटअप में जाए, और अगर आप मैनुअल सेटअप नहीं चाहते हैं, उतना खर्चा नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसा साउंड सिस्टम चूज करना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा सबवूफर ऐड करने का ऑप्शन हो। जैसे मैं रेकमेंड करूंगा सोनोस आर्क को, सोनोस आर्क के साथ आप 2-2 सबवूफर ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके का जो साउंड सिस्टम आता है तो उसको आप चूज करें, और 2 सबवूफर एटलीस्ट अपने साउंड सिस्टम के साथ जोड़े, ताकि आपको जो एक्सपीरियंस है वो टॉप नॉच रहे। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, कितना सबवूफर जरूरी है वो भी आप अपने रूम के हिसाब से डिसाइड करें। आपका रूम का जो साइज है वो जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपको सबवूफर का काउंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। छोटा रूम होगा तो 1 सबवूफर काफी होता है, लेकिन अगर बड़ा हॉल में आप यूज कर रहे हो, बहुत बड़ा आपका स्पेस जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसको कवर अप करने के लिए एटलीस्ट 2 सबवूफर बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं रेकमेंड करूंगा, और वो एटलीस्ट 8 इंच का होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 13 के ऊपर अगर आपका रूम साइज है 15, 18, 20, तो वहां पे आपको एटलीस्ट 8 इंच का 2 सबवूफर तो जरूर रखना है, नहीं तो आप बेस को फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। एक कॉशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका रूम साइज जो है वो छोटा है, या 10 × 10 × 12, 12 × 13 इन सारे रेंज में है, और आप 8 इंच का या 10 इंच का 2-2 सबवूफर ले लिए, या कुछ बड़ा ड्राइवर वाला सबवूफर ले लिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ सकता है दोस्तों। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टाइम तक कंटेंट देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो अगर आपके रूम के हिसाब से आपका बेस ओवर पावर्ड होगा, ज़्यादा बूमी होगा, तो वो साउंड को, वॉइस को और ओवरऑल सराउंड एक्सपीरियंस जो है वो उसको दबा देगा और बेस को लाउड कर देगा, तो उसमें आप ज़्यादा देर तक
कंटेंट को देख या सुन नहीं पाओगे, कान में दिक्कत आ सकती है और वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, तो आप उसको बेयर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेस को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बेस लवर होना मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेस के ऊपर ध्यान देना है, आपको ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस की तरफ भी ध्यान देना है। लास्ट ऑप्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन दोस्तों, कंपनी कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। JBL, बोस, ये सारा जो कंपनी है, ये जो 10 इंच का सबवूफर देगा दोस्तों, वो जो कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, वो एक चालू कंपनी का जो 10 इंच का सबवूफर है वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कंपनी चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइसली इसको चूज़ करना चाहिए। अगर आप एक बेस लवर है दोस्तों, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आपको JBL, बोस, या तो थर्ड ऑप्शन में मैं LG को रखूंगा दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया बेस और बूमी बेस प्रोवाइड करता है, मैं खुद यूज़ किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ऊपर से आप सिनाइजर को भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया बेस मिल जाता है। सोनोस को चूज़ कर सकते हैं, सोनोस में बहुत बढ़िया बेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सारे कंपनीज की तरफ आप जा सकते हैं। सैमसंग ओवरऑल सराउंड साउंड इफेक्ट देने में बहुत ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन दोस्तों बेस लवर आप अगर हैं तो उसके लिए मैं सैमसंग को रेकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। JBL जो है वो ऑलमोस्ट उसके सारे जो साउंड बार्स मॉडल है, सारे होम थिएटर्स मॉडल है, उसके साथ 10 इंच का सबवूफर प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको देता है। सोनी में भी आप जा सकते हैं, सोनी बहुत बढ़िया साउंड प्रोवाइड करता है, उसके साथ बहुत बढ़िया बूमी बेस प्रोवाइड करता है। वहाँ पे भी मैक्सिमम साउंड सिस्टम में आपको 10 इंच का सबवूफर मिल जाएगा। सोनोस में तो कोई बात ही नहीं इसकी, लेकिन सोनोस दोस्तों वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपका बजट क्रंच है और आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मैं सोनोस को रेकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिनाइजर या सोनोस की तरफ जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये होगा दोस्तों कि आप मैनुअल सेटअप कर लें, अगर आपका बजट इशू नहीं है तो वो सबसे बढ़िया होगा। आप जितने सारे चाहे सबवूफर को ऐड कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके रूम साइज के हिसाब से। तो व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि मैंने आज आपको हेल्प किया है सही सबवूफर आपके लिए चूज़ करने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।